नमस्ते दोस्तों, मैं नरगिस एंजल जायका किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने वाले हैं स्टीम पोहा, जो मार्केट में मिलता है ना, घर पर भी आप बड़ी आसानी से इसको स्टीम पोहा को बना सकते हो, केवल एक चम्मच तेल में और गर्मा गर्म मसालेदार चाय के साथ। तो आइए बनाने स्टार्ट करते हैं। ये पोहा ले लिया है, पोहा में थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह से जो एक्स्ट्रा पानी है ना, इसका निकाल देते हैं, जिससे कि अच्छे से हमारा पोहा फूल कर तैयार हो जाए। ये हमने तड़के वाला पैन रख लिया है और इसमें मैंने एक चम्मच करीब तेल ऐड किया है। इसमें मैं मूंगफली को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं और गैस की फ्लेम को लो करके। तो ये मूंगफली हमारी फ्राई हो गई, इनको हम निकाल लेते हैं। सेम तेल में ये राई के दाने ऐड कर देते हैं हम, ये हरी मिर्ची, और ये गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। ये कड़ी पत्ता, और इस जगह इसमें ऐड कर देंगे हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हो, नहीं तो मेरी जो हरी मिर्ची है वो तीखी, इसलिए मैं लाल मिर्च पाउडर ऐड नहीं कर रही हूँ। तो बस गैस को ऑफ करके हल्दी को इसमें मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। पोहा फूल कर अच्छे से तैयार है, इसको हाथों से इस तरह से अलग अलग कर लेते हैं और इसमें ऐड कर देंगे नमक टेस्ट के हिसाब से और आधा चम्मच नींबू का रस, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे नींबू और नमक अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, और ये जो तड़का हमने तैयार किया है ना, इसमें इसको ऐड करके चम्मच वगैरह से अच्छे से आप इस जगह मिक्स कर सकते हो। इसको मिक्स और ये हमारा पोहा तैयार है स्टीम के लिए, क्योंकि मार्केट में जो पोहा मिलता है ना, उसमें वो खाने वाला फूड कलर ऐड करते हैं येलो, तो घर पर बना रहे हैं तो फूड कलर की ज़रूरत ही नहीं, इसलिए हमने इसमें हल्दी का इस्तेमाल किया है। तो बस इसको स्टीम करते हैं। ये मैंने एक पैन रख दिया है, कढ़ाई वगैरह आप कुछ भी रख सकते हो, पानी डाल के पानी हमारा बॉईल हो गया है। बस पानी इतना रखना है कि स्टीम के लिए ये चलनी हमारी पानी से टच नहीं होनी चाहिए। तो इसमें पोहा ऐड कर देते हैं इस तरह से, और पोहा ऐड करके इसको ढकेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, और गैस की फ्लेम को मीडियम करके इससे ये अच्छे से इसमें स्टीम लगे और ये हमारा पोहा एकदम बन के तैयार हो जाए गर्मा गर्म। ये 2 मिनट से 3 मिनट हो चुके हैं और पोहा हमारा स्टीम होकर बिल्कुल तैयार है। देखिए बिल्कुल मार्केट में इसी तरह से मिलता है, आप घर पर ही बड़ी आसानी से इसको स्टीम करके पोहा बना सकते हो। तो आइए पोहा को सर्व कर लेते हैं प्लेट में। तो ये हमारा पोहा गर्मा गर्म, इसके ऊपर फ्राई करी हुई मूंगफली ऐड कर देंगे, चॉप करे हुए टमाटर, चॉप करी हुई इस पर प्याज ऐड करेंगे हम, और इसमें ऐड करेंगे नमकीन। नमकीन आप इस जगह कोई सा भी अपनी पसंद का ऐड कर सकते हो, और कुछ इस पर धनिए की पत्तियां जाएंगी। तो है ना मज़ेदार सी रेसिपी। तो ये हमारा स्टीम पोहा बनकर, ये गर्मा गर्म मसालेदार चाय के साथ। अगर इसका वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। ये हमारा स्टीम पोहा और गर्मा गर्म चाय के साथ बनकर तैयार है। मज़ेदार सी रेसिपीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।